कुछ इस तरह से ओके okay. तो पहले इतना पढ़ते हैं मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स होल्डिंग वन परसेंट वोटिंग पावर और फाइव लाख रुपीज पेड ऑफ कैपिटल दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट हो जाना चाहिए ठीक है ठेके? क्या लिखा है देखो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स होल्डिंग या तो वन परसेंट वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी या फिर फाइव लाख रुपीज पेड ऑफ शेयर कैपिटल पी यूएससी का मतलब है पेड ऑफ शेयर कैपिटल पी यूएससी दिख रहा है इसका मतलब है पेड ऑफ शेयर कैपिटल दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरा होने पर इतने मेंबर्स कंपनी को एक नोटिस देंगे ठीक है कंपनी इज नॉट गिविंग अ नोटिस टू द मेंबर्स मेंबर्स दीज मेनी मेंबर्स आर गिविंग नोटिस टू द कंपनी दैट वी वांट टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा ना पूरे कानून में सिर्फ दो ही बार ही होता है जब आप ऑडिटर को हटाना चाहते हो या डायरेक्टर को हटाना चाहते हो ठीक है तो डायरेक्टर को हटाना चाहते हो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ऑडिटर को हटाना चाहते हो ये तुम्हारे सिलेबस में है ओके okay. तो इतने मेंबर्स कंपनी को नोटिस दे रहे हैं स्पेशल नोटिस बोलते हैं उसको ठीक है अब इधर स्पेशल नोटिस टू द कंपनी एटलीस्ट फोर्टीन डेज बिफोर एजीएम एजीएम के 14 दिन पहले कम से कम इतने मेंबर्स जितना नीचे बोला हुआ है वन परसेंट या पांच लाख वाले वो कंपनी को स्पेशल नोटिस देंगे और उसमें प्रपोज करेंगे चेंज ऑफ ऑडिटर यानी हम इस वाले को तो रिमूव करेंगे और नए वाले को लेके आएंगे तो प्रपोजिंग रिमूवल ऑफ समबडी दैट इज एग्जिस्टिंग ऑडिटर एंड अपॉइंट ऑफ अ न्यू ऑडिटर ठीक है तो कंपनी को एजीएम के चौदह दिन पहले स्पेशल नोटिस मिली इस तरह की हटाना है ये एक फॉर्मेलिटी है देखो दिस इज़ अ फॉर्मेलिटी इट इज़ डन ओनली बाय द मैनेजमेंट मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ बिकॉज जो टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी में तो बड़े शेयर होल्डर्स होंगे जो वन परसेंट वोटिंग पावर वगैरह सब होल्ड करते होंगे तो वही ये सब काम कराते हैं ओके बहरहाल इवन द आउटसाइड शेयर होल्डर्स दे ऑल्सो हैव द पावर जो कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं है वो वाले शेयर होल्डर्स भी अगर इकट्ठा हो सके पाँच लाख रुपया कैपिटल या वन तो वो भी ये नोटिस भेज सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर ज़्यादातर ये चेंज ऑफ ऑर्टर का केस होता है इट्स अ वेरी फ्रेंडली एटमोस्फियर यहाँ कोई मतलब चिल्ला चिली गाली गलोच नहीं होता है इस टाइप चेंज ऑफ ऑर्टर जो लड़ाई झगड़ा होता है वो पहले हो चुका होता है पर मैनेजमेंट ऑर्डर के बीच में एक एक, एक, एक नेगोशिएशन हो जाता है कि ठीक है ये वाला एक साल आप खत्म कीजिए फिर आपको एजे में हटा देंगे तो आप भी टैटू मत करना वो भी टैटू नहीं करता इट्स लाइक सिंपल ओके तो चेंज ऑफ ऑर्डर का प्रोसीजर है तो स्पेशल नोटिस आता है चौदह दिन पहले कि भाई इसको हटाएंगे अब फॉर्मेलिटी है कि कंपनी क्या करेगी उस स्पेशल नोटिस की कॉपी उस बंदे को पकड़ा देगी भाई तुमको हटाने के लिए प्रपोजल आया तुम अभी हटे नहीं हो खाली प्रपोजल आए कॉपी ऑफ नोटिस फोर्थ विथ कॉपी ऑफ नोटिस फोर्थ विथ फोर्थ विथ का मतलब होता है हाथों हाथ मतलब कंपनी को जैसे स्पेशल नोटिस मिला कंपनी उसका कॉपी इस बंदे को दे दिया तो फोर्थ विथ हाथों हाथ अब इन्हें भी कुछ बोलने का अधिकार है अगर ये बोलना चाहते हैं तो ठीक है सब उस ऑडिटर भी अपने लिए कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है ही विल गिव अ रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या देगा वो कंपनी को रिप्रेजेंटेशन लेटर तो ये जो अपना ऑडिटर है ये भी अगर कुछ बोलना चाहता है तो ये दे देगा एक रिप्रेजेंटेशन लेटर ठीक है इतना लिखो फिर मैं और बोलूँगा धीरे धीरे कोई अपने को हड़बड़ी नहीं है बनाते बनाते समझ लो ड्रॉ कर लो तो अच्छा रहता है ठीक है लेट्स टॉक सी ए अपने रिप्रेजेंटेशन लेटर जो उसको देगा उसमें क्या लिखेगा ये हम जानना चाहते हैं मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को लेके कर सी ए इंस्टीट्यूट इज़ वेरी वेरी केयरफुल सी ए इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर भी गाइडलाइंस बना रखे हैं सी ए इंस्टीट्यूट का बोलना है कि जब भी इस तरह का माहौल होता है चेंज ऑफ ऑडिटर का तो जो पुराना वाला ऑडिटर है वो जब रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखेगा तो उस रिप्रेजेंटेशन लेटर में वो बहुत ही बैलेंस्ड बातें बोलेगा ना वो अपनी तारीफ़ करेगा कि मैं इतना महान ऑडिटर तुम लोग धन्य हो गए जहाँ मैं तुम्हारी ऑडिट कर रहा था और आज लोग मुझे हटा रहे हो अपनी तारीफ नहीं करेगा ना वो बैठ के कंपनी के मैनेजमेंट की या कंपनी की बुराई करेगा कि तुम लोग तो डिजर्व ही नहीं करते तुम लोग ऐसे हो वैसे कोई बुराई भी नहीं करेगा ठीक है वो बस फैक्चुअली सिंपल सी बात रखेगा इट्स अ केस ऑफ चेंज ऑफ ऑडिटर कोई गंदी बात तो है नहीं चेंज ऑफ ऑडिटर तो वो बस इतना ही लिखेगा कि आज तक मैंने अपना ऑडिट का काम आपकी कंपनी में पूरी ईमानदारी और इंडिपेंडेंस के साथ किया है और आगे भी अगर आप लोगों ने मुझे कंटिन्यू किया तो ऐसे ही करूंगा बस इतना ही दो लाइन का बात लिखना है ठीक है दैट आई हैव कंडक्टेड ऑडिटिंग इन द कंपनी विद इंडिपेंडेंस एंड कॉन्साइंस एंड इफ आई एम अपॉइंटेड आई कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम ठीक है तो ये फंड है बस इतना ही लिख के देना है अगर मान लो कि इस ऑडिटर ने इसमें चिट्ठी में कुछ भी उड़ंग पुडंग लिखा अपनी तारीफ कर दी कंपनी की बुराई कर दी तो इस ऑडिटर का जो बंबू है वो दो जन करेंगे एक तो एनसीएलटी और दूसरा सी इंस्टीट्यूट सी इंस्टीट्यूट के पास जैसे मान लो इसने अपने रिप्रेजेंटेशन लेटर में कुछ उड़ पुडंग लिख दिया तो क्या होगा वॉट इज गोइंग टू हैपन कंपनी ये भेज देगी आई के पास और एन के पास ठीक है अब आई जो है ये अम्बरेला का पूछ है आई जो है वो तो सी के खिलाफ प्रोसीडिंग चालू करेगा कि हमने तो नियम बनाया था आपको नहीं करना और आपने कर डाला तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेगा और एन क्या करेगा एन फिर बोल देगा कि एक काम करो एक तो कानून ने इसको हक दिया कि ये अपनी बात रख सकता है पर अगर ये इतनी गंदी बात रखेगा तो इसके रिप्रेजेंटेशन लेटर को ना तो सर्कुलेट किया जाए टू द शेयर होल्डर्स और ना ही ना ही उसको एजीएम में रीड आउट किया जाए एकदम सिंपल कि इसको फिर फेंक दो उसको कुछ नहीं करना फिर रिप्रेजेंटेशन लेटर को ओके नाउ मान लीजिए कि हमारा सीए जो अच्छा मनुष्य था उसने रिप्रेजेंटेशन लेटर में वही लिखा जो सी एन स्टूड बोलती कि मैंने आपका काम ईमानदारी से क्या आगे भी करता रहूंगा तब अब क्या होगा अब कंपनी टू डू समथिंग ओके यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग सामने एजीएम होने जा रहा है सामने नीचे देखो ब्लैक कलर में लिखा है एजीएम एजीएम होने जा रहा है ये जो स्पेशल नोटिस आया है ये क्या हंड्रेड परसेंट शोल्डर्स ने भेजा है कि वन परसेंट शोल्डर्स ने भेजा है वन परसेंट ने वन परसेंट वाले शोल्डर्स ने भेजा है हंड्रेड परसेंट ने तो नहीं तो सबको तो बताना पड़ेगा ना कंपनी हैज टू इन्फॉर्म एवरीबडी कंपनी हैज टू इन्फॉर्म ऑल द शोल्डर्स की देखिए ऐसा एक प्रस्ताव आया है सामने एजीएम में एक नया ताज़ा प्रस्ताव है अब आप लोग को इसके ऊपर भी डिसीजन लेना है कंपनी हैज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ठीक है क्या क्या इन्फॉर्म करेगा नंबर वन हमें स्पेशल नोटिस मिला था इस तरह से ऑडिटर को हटाने के लिए और दूसरा एक नया ऑडिटर को लाने के लिए ठीक है साथ ही साथ ऑडिटर ने जो अपना एक रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया वो भी हम सर्कुलेट कर देंगे ठीक है तो कंपनी शैल सर्कुलेट अ कॉपी

चौदह दिन पहले स्पेशल नोटिस आया था फिर तुरंत तुरंत उसको भेजा सीए को फिर सीए अपना रिप्रेजेंटेशन बना के दिया फिर दोनों चीज़ों को एजीएम के सात दिन पहले सर्कुलेट कर दिया ठीक है ये क्लियर है अब फाइनली एजीएम होगा एजीएम में पुराना सीए भी आएगा जिसे हम हटाने की बात कर रहे हैं वो बंदा और एक नया सीए भी आएगा दोनों आएंगे ठीक है पुराना सीए जो है वो अपना लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन लेटर रीड आउट करके सुना सकता है कि मैंने आपका काम आज भी ईमानदारी से किया है आगे भी करता रहूंगा अगर आप लोगों ने मुझे चुना तो और नए वाले को अपॉइंट करने की बात चल रही है अच्छा नए ऑडिटर से वही इन्होंने वही सारा फॉर्मेल फॉर्मेलिटी फॉलो किया होगा कि नए ऑडिटर के अपॉइमेंट के लिए उससे फोर पॉइंट का सर्टिफिकेट लिया होगा ऑल दैट इज़ देयर ठीक है और पुरा इस नए ऑडिटर ने पुराने ऑडिटर को भी इसको एक चिट्ठी लिख के पूछा होगा कि मुझे सामने वाले एजियम में भाई ये लोग अपॉइंट करने वाले हैं आपको कोई दिक्कत है क्या तो वो सब सारा जो तामझाम होता है वो एज इट इज़ है अब एजीएम में क्या होगा दो तरह के रेजोल्यूशन पास होंगे एक ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास होगा ठीक है और उसमें एग्जिस्टिंग को हटाएंगे ऑडिटर रिमूव दूसरा एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और पास होगा जिसमें हम नए को अपॉइंट करेंगे न्यू ऑडिटर अपॉइंटेड ठीक है और न्यू ऑडिटर आया तो वही आप आर के पास एडिटी वन फाइल करोगे वो सब तो है ही ठीक है तो यहां पर आके अपना अम्ब्रेला खत्म होता है नाउ यू कैन सी द कंप्लीट पिक्चर मैं भी इस पिक्चर को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा स्टेप्स लिखूंगा ठीक है ओके okay, ऊपर कर दें इसको सबसे पहला स्टेप ये रहा नंबर वन मेंबर्स होल्डिंग वन परसेंट और मोर वोटिंग पावर और फाइव लाख रुपीज और मोर पेड ऑफ शेयर कैपिटल शेल सेंड स्पेशल नोटिस टू द कंपनी एटलीस्ट फोर्टीन डेज बिफोर द एजीएम प्रपोजिंग द रिमूवल ऑफ न्यू ऑडिटर द कंपनी विल उधर तीन नंबर द कंपनी विल सेंड अ कॉपी ऑफ द स्पेशल नोटिस फोर्थ विथ टू दंबर फोर द ऑडिटर कैन सेंड अ रेप्रजेंटेशन लेटर टू द कंपनी ठीक है नंबर फाइव अगर उसमें कुछ उलझुल लिखा तो आई या एनसीएलटी को दे सकते हैं उलझुल मतलब डिफेमेटरी मैटर के लिए नीडलेस पब्लिसिटी उसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं इफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन लेटर कंटेन एनी मैटर विच इज डिफेमेटरी ओके, डिफेमेटरी मतलब बदनामी छठा कंपनी शैल सर्कुलेट अ एंड रिप्रेजेंटेशन लेटर मेंबर्स सातवा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू ऑडिटर ठीक है एंड एटी वन विल बी फाइल्ड ये इस तरह से पूरा है Now, मैं हमेशा इसको इसी तरह से अम्ब्रेला डायग्राम की तरह पढ़ाया हूँ और ये बहुत ही अच्छा रहता है कोई भी स्टूडेंट जैसे मैं खुद जब स्टूडेंट था तब मैंने बनाया था और मुझसे कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं कोई भी ये प्रोसीजर भूलता नहीं है सबको ये प्रोसीजर हमेशा याद रहता है हाउ डू यू चेंज द ऑडिटर इन बिटवीन फाइव ईयर्स कि पाँच साल की पहले ही अगर आपको ऑडिटर चेंज करना है तो उसका प्रोसीजर ऐसा होगा एवरी वन रिमेंबर्स दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम सर वॉट शुड आई डू एन एग्जाम इन एग्जामिशन इफ देर आस्किंग द प्रोसीजर शुड आई ड्रॉ दिस डायग्राम एज अ होल आई विल नॉट सजेस्ट ड्राॅइंग दिस डायग्राम, बिकॉज ये एक्चुअली थोड़ा डायग्राम टाइप है कि आप ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे लिख रहे हो ऐसे कर रहे हो तो वो थोड़ा सा क्या है ना uh, देखो बात को समझो एग्जामिनर चिड़ सकता है और एक दिक्कत मैं बताता हूँ क्या होता है इस तरह का डायग्राम ना बहुत आँखों में चुभता है चुभता कैसे इतने सारे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के निकले एक हॉल के अंदर तुम सोचो एग्जाम हॉल है वहां पे ट्वेंटी थर्टी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर हैव ड्रॉन दिस डायग्राम ठीक है तब क्या होगा सोचो सर आप एक साथ एक वो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा देखेगा लाइन से बीस तीस स्टूडेंट्स का कितने सारे और कितने सारे रूम्स सा जगह डायग्राम और सब कोई बनाए आ रहे हैं पता है, उसके दिमाग में इमीडिएटली आएगा कि चीटिंग नहीं आएगा क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट ड्रॉ कर रहे तो थे मतलब वो चीटिंग नहीं है तो उसके दिमाग में इमली आएगा कि ये लोग पक्का किसी पर्टिकुलर कोचिंग टीचर से पढ़े हैं उसने बनाया और सब उसी के स्टूडेंट हैं सब ऐसे डायग्राम बना रहे हैं तो द मोमेंट उसके दिमाग में ये थॉट आ गया ना कि तुम कोचिंग टीचर से पढ़े हो उसका डायग्राम बना रहे हो वो उसको थोड़ा तिल मिला देगा वो तिल मिला देगा प्लीज ये किसी को पुख मत करो जाके ठीक है तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये थोड़ा सा अति डायग्राम टाइप का हो गया तो इसको एग्जाम में ऐसे मत ड्रा करना एग्जाम में तुम स्टेप बाय स्टेप लिखना जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मैंने सात स्टेप्स बना के लिखा है तो तुम बुलेट में लिखो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री ऐसे लिख दो तो बस ये खुद के लिए दिमाग में रखो सीक्वेंस समझने के लिए याद रखने के लिए एग्जामिनर के सामने जाके ये मत चमकाओ एग्जामिनर के सामने बुलेट्स में बना के आ जाओ ठीक है समझ में आ रही बात ठीक है ऊपर करते हैं इसको नोट एग्जाम राइट दिस आंसर स्टेप वाइज इन बुलेट format बुलेट मतलब एक दो तीन चार पांच वैसे करके लिखना डायग्राम के बदले ठीक है तो ये अपना 140 नंबर सेक्शन खत्म होता है Note If the auditor tries to obtain needless publicity for defamatory matter. Then NCLT shall allow the company to neither circulate nor read at AGM the representation letter. Also, legal fees for NCLT application shall be reimbursed by auditor to the कंपनी ठीक है ये अब थोड़ा अच्छे से बता दिया तुमको कि एग्जाम में अगर इसी पे क्वेश्चन आ गया तो तुम लिखने के पोजीशन में रहो उस उस सीए ने जो रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया उसमें उसको क्या लिखना था कि मैं आज तक अपना काम ईमानदारी से करते आया हूँ आप लोगों ने मुझे अगर ऑडिटर के तौर पर कंटिन्यू किया तो आई विल कंटिन्यू द सेम ठीक है पर उसने कुछ उल्ल जुल लिख दिया अब ये उल्ल जुल जो होता है इसको अपने प्रॉपर भाषा में बोलते हैं नीडलेस पब्लिसिटी फॉर अ डिफेमेटरी मैटर तो अगर ऐसा वो करेगा तो फिर कंपनी एन के पास एप्लीकेशन देगी और एन जो है कंपनी को बोल देगा कि इसकी चिट्ठी ना तो आप सर्कुलेट कीजिए ना रीड आउट कीजिए कुछ नहीं ऊपर से कंपनी ने एन के पास एप्लीकेशन करने के लिए जो कंपनी का लीगल फीस पर पैसा लगा होगा वो भी ऑडिटर रिम्बर्स करेगा कंपनी को समझ रहे हो बात को तो एक तो बेचारे का चिट्ठी रीड आउट भी नहीं होगा में शोल्डर्स के सामने ऊपर से उसको री भी करना पड़ेगा जो लीगल फीस कंपनी का लगेगा कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा ए एन में केस करने का ओके तो ये भी मैंने लिखा दिया बता दिया कि याद रहे इंपॉर्टेंट है कल को पूछ रहे आज क्या हो रहा है ना देखो एक चीज़ मैं हमेशा से ही करते आया हूँ दैट इज़ हंड्रेड कवरेज टू मिनट्स जस्ट आई विल टेल यू समथिंग व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट जब मैं किसी टीचर से क्लास दिया था एक्स वाई जेड मिस्टर जो भी उनका नाम नहीं बोलूँगा तो क्या हुआ कि उन्होंने पूरा सिलेबस उड़वा दिया था मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई थी और क्योंकि आई वॉज अ स्टूडेंट आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द सिलेबस मैंने सी इंस्टीट्यूट का मैट कभी खोला भी नहीं था ओके okay. हुआ ये कि जब एग्जाम हॉल में गए और पेपर आया तो कुछ भी लिख नहीं पा रहे हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ट्वेंटी परसेंट चीज़ आता है एट्टी परसेंट नहीं आता है ऐसा बुरी तरह से फंस गए थे ठीक है तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं किसी दिन भी टीचर बनाना तो मैं ये घटिया काम नहीं करूँगा आई विल टीच हंड्रेड परसेंट कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं और आज वैसा ही हो रहा है आज ये लोग क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी पूछ रहे हैं मतलब पूरे बुक में कहीं से कोई भी कोने से उठा के पूछ लेंगे यू कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग किसी भी चीज़ को थोड़ा सा डाउन प्ले करोगे पता चलेगा वही उठ के एग्जाम में अगले टर्म में सामने आ गया तो बी प्रपेयर फॉर हंड्रेड परसेंट ठीक है थोड़ा मेहनत ज़्यादा होता है लिखना पड़ता है कई बार कोई स्टूडेंट को बोरिंग भी लगे पर यार तुम एग्जाम दे रहे हो या पढ़ाई जो कर रहे हो वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हो ठीक है अगर तुमको एंटरटेनमेंट चाहिए था तो तुम ये इस लाइन में नहीं आते तुम फिर कुछ और करियर अपना चुनते ओके तो पूरा अपने को 100 परसेंट कवरेज पकड़ के चलना है और वो भी लिखने लायक देखो ऊपर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया सब लिखा कि नहीं कि क्वेश्चन मैंने सर लिखते कैसे तो बताया नहीं देखो लिख के बता दिया ना इसमें कोई आलस नहीं है